नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सांगानेर में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको सीम रिपर या सीम ओपनर के बारे में बताने जा रही हूँ। सीम ओपनर या सीम रिपर को क्विक अनपिकर या स्टिच ओपनर के नाम से भी जाना जाता है। जब हम एक कपड़े से ड्रेस बनाते हैं, वो जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, उसमें मेजरमेंट लेना, ड्राफ्टिंग करना, पैटर्न बनाना, उसको काटना, उसके बाद कपड़े पे मार्किंग, फिर कपड़े को काटना, उसके बाद स्टिचिंग, सिलाई और फिनिशिंग, ये जो सारा हमारा प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं जिनसे हम ये सारा काम आसानी से होता है। कुछ हमारे टूल्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, जिनके बिना हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जो अगर हमारे पास नहीं है तो काम हमारा ऐसा नहीं है कि नहीं होता या रुक जाता है, लेकिन अगर वो हमारे पास हैं तो हमारा काम जल्दी, आसानी से, स्पीडली और सफाई के साथ होता है। तो हमारा जो सीम रिपर है वो भी ऐसे ही टूल्स में आता है कि अगर हमारे पास ये है तो हमारा काम आसानी से और सफाई के साथ होता है। जैसे कि नाम से है, सीम रिपर, सीम ओपनर या स्टिच ओपनर, मतलब टाँकों को या सिलाई को खोलना। तो जो हमारा ये सीम रिपर है वो हमारा स्विंग टूल में आता है, जब हम सिलते हैं उस वक्त आता है, तो स्विंग टूल हो गया ये। सीम रिपर बेसिक जो हमारा इसका यूज है वो हमारा है टेम्परेरी स्टिच को खोलने के काम में। कई बार होता है जब हम स्टिच लगाते हैं तो टेम्परेरी स्टिच लगाते हैं, जब देखते हैं, ट्रायल करते हैं, या हमने पूरा बना लिया, देख लिया कहीं कोई गलत नहीं आ रहा, उसके बाद हम फाइनल सीम लगाते हैं, तो उसके बाद हमको टेम्परेरी जो स्टिच लगाई है वो हमको खोलनी होती है। तो एक तो उसके लिए, और प्लस रॉन्ग स्टिचेस जो हमसे लग गई हैं, गलत सिलाइयाँ लग गई हैं, सीम लग गई है हमारी स्टिचेस और सीम, उनको खोलने के काम में भी हमारा ये सीम ओपनर आता है। जो इसका इन्वेंशन हुआ था उसके लिए है कि ये 1800 जो सदी हमारी शताब्दी है उसके लेटर दिनों में हुआ था, लेकिन जो इसका पेटेंट करवाया था वो 1898 में। इसमें कैनेडा के जॉन फिशर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने नाम से इसका पेटेंट करवाया था। ये जो सीम रिपर होता है ये छोटा सा टूल्स है हमारा, जो इंग्लिश के वाई जैसे आकृति का बना हुआ होता है। उसमें जो हैंडल होता है वो हमारा यहाँ पे प्लास्टिक का होता है, और ये दो नुकीले हिस्से वाई जैसे होते हैं, एक हमारा पॉइंटेड होता है, ये वाला हिस्सा यहाँ से ब्लेड जैसा होता है, और यहाँ पे एक हिस्सा ये छोटा होता है, उसमें एक प्लास्टिक का बॉल लगा हुआ होता है। ये पार्ट मेटल का बना हुआ होता है, ये पकड़ने का हैंडल प्लास्टिक का होता है, इसका कवर भी आता है प्लास्टिक का, जिसके अंदर हम उसको इजीली डाल दें ताकि हमारे कहीं हाथ में वो चुभे नहीं, और क्योंकि बहुत छोटा सा होता है ये हमारा स्विंग जो किट आता है, छोटा एक बॉक्स हम रखते हैं उसके अंदर ये आसानी से आ जाता है। यहाँ पे जो ये इसका ब्लेड है वो बहुत शार्प होता है, जब सीम को हटाते हैं, उधेड़ने वाला काम जब हमारा होता है ओपनिंग वाला, तो ये वाला जो पॉइंटेड लंबा वाला हिस्सा है वो हम सीम जो टाँका है उसके अंदर डालते हैं और ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं, तो क्योंकि ये ब्लेड वाला जब हिस्सा है तो हमारा धागा वहाँ से वो कट जाता है, तो जब ये प्रोसेस करते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हम वो धागे को इस तरह से कटते जाते हैं ताकि वो इजीली हमारा निकल जाए। अगर सीम नहीं है, ओपनर हमारे पास नहीं है और गलत सिलाई हमको टाँके हमको हटाने हैं, तो उसके लिए कई बार हम नीडल का काम में लेते हैं, या सेफ्टी पिन है या ऑल पिन, लेकिन उसको जब हम उसमें से डालते हैं तो वो पूरा धागा हमारा ऊपर की तरफ आने लगता है, तो कई बार वो कपड़े को डैमेज करता है, उसकी सिलाई को भी खराब करता है। ब्लेड होने की वजह से ये फायदा है कि वो हमारा वहाँ से धागा इजीली कट जाता है, तो कपड़े को और उसकी सिलाई को कहीं भी कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए, ये सीम रिपर हमारा कवर के साथ, ये देखिए इंग्लिश का वाई होता है उस जैसे बना हुआ है, ये लोहे का स्टील
और ये हमारा जो हैंडल है वो आप देख पा रहे होंगे प्लास्टिक का। ये बड़ा वाला साइड पॉइंटेड, ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये प्लेट जैसे है, और ये छोटा जिसको मैंने बताया बॉल लगा हुआ होता है प्लास्टिक का। ये इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जब हम स्टिच को खोल रहे हैं तो कपड़े, क्योंकि दोनों हिस्से हमारे आ रहे हैं ऐसे करते हैं, तो ये दूसरा वाला हमारे कपड़े को डैमेज ना करे और प्लस हमारी उंगली में नहीं कहीं चला जाए, तो इसलिए ये यहाँ पे बॉल लगा होता है। ये वाई जैसा बना हुआ है, ये वाला हिस्सा हमारा ब्लेड है। तो अब जैसे मैं बता रही हूँ, ये सिलाई हमको खोलनी है, ये परमानेंट सिलाई दूसरी लग गई, ये लूज़ थी, हमें खोलनी है। या गलत सिलाई अगर हो जाती है तो हमने लिया ये टांके में डाला हमने इसको, ये यहाँ आया और आगे की तरफ लेके ऊपर करेंगे तो ये देखिए कट गया धागा। नेक्स्ट थोड़ा वापस हमने इसको इसमें डाला, यहाँ पे ब्लेड है, हमने इसको प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ लिया, ये कट गया। तो फिर इस तरह से हमारा ये आराम से खुल जाता है सिलाई। ये इसी तरह से ये लिया हमने, कट दिया, खोल दिया। ये छोटे छोटे हिस्सों में कट जाता है तो बिना खींचे कपड़े को पे जोर आए हुए डैमेज किए वो आराम से इजीली निकलता है। इसी तरह से जो बैक वाला हिस्सा है हमने ले लिया, इसको यहाँ से किया, ये कट हो गया और उसके बाद हमारा वापस करेंगे कट हो जाएगा। सिंपल नीडल वगैरह से लेते हैं तो हम इसको लेके ऊपर करते हैं तो यहाँ से वो खिंचता जाता है, तो उसकी वजह से वो कपड़ा पास पास में आ जाता है, डैमेज होने का डर रहता है। तो क्योंकि ये ब्लेड वाला हिस्सा है इसलिए ये हमारा आराम से कट जाता है, और ऊपर की तरफ करेंगे तो कहीं भी कोई भी टांका कोई ख़राब नहीं होगा, सिलाई ख़राब नहीं होगी हमारी। अभी आपने देखा प्रैक्टिकल सीम रिपर या सीम ओपनर से हम कैसे सिलाई या सीम टाके खोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था सीम ओपनर सिलाई खोलने के काम आता है, गलत सिलाई खोलने के काम आता है, और भी जगह यूज होता है इसका। तो वो फर्स्ट तो आपका टेम्परेरी स्टिच या सीम को खोलने के लिए, उसके बाद रॉन्ग स्टिचेस या सीम को ओपन करने के लिए काम में आता है। उसके बाद है हमारा ये, जब हम बटन होल बनाते हैं मशीन से, जब हमारा बनता है तो आप जानते हैं जैसे इस तरह से बनता है हमारा बटन होल, यहाँ पे होता है ये और एक साथ जुड़ा होता है, तो ये बीच का पार्ट हमको कट करना होता है बटन होल के लिए, गैप के लिए, ताकि हम उसमें बटन इंसर्ट कर सके। तो वो हम जो कट करते हैं वो सीजर से कभी नहीं होगा, आपका बहुत ज़्यादा कट जाएगा। तो ये वाला जो बटन होल का जो गैप आप निकालते हैं उसके लिए सीम ओपनर काम आता है। फिर कई बार होता है उसमें कोई एक्सेसरीज लगी हुई है, लेस लगा है या रिबन लगा हुआ है या बीड लगे हुए हैं, तो उसकी वो आपको हटाना है, रिबन्स वगैरह है वो हटानी है अगर, तो उसके लिए भी आपका सीम ओपनर काम आता है। फिर होता है बटन या हुक या आई वगैरह जो लगी होती है, मेटल आई भी हो सकती है, और वो हमको उस जगह से हटानी है, रिमूव करनी है, जगह चेंज करनी है या हमको नहीं चाहिए, तो वो बटन हटाने के लिए हुक लगे हैं उनको हटाने के लिए, या आई बने हैं, मेटल आई वगैरह बना हुआ है इस तरह से लगा हुआ है और वो हमको हटाना है, तो उसके लिए भी सीम ओपनर हमको चाहिएगा, ताकि बहुत सफाई के साथ कपड़े को नुकसान किए बिना ये हमारा काम हो सके। तो ये आज सीम रिपर के बारे में मैंने आपको बताया है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।